बालाघाट जिले में अब बॉलीवुड हो या फिर नए कलाकार जो अपने वीडियोस और वेब सीरीज बनाते हैं उनके लिए वीडियो शूट के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बालाघाट साबित हो रहा है, जिसका प्रमुख कारण है बालाघाट जिले का वनांचल होना। बालाघाट जिले का वालांचर क्षेत्र शूटिंग के लिए कलाकारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। हाल ही में ग्लैमॉन मिस्टर इंडिया आर्थर हेनरी ने अपनी टीम के साथ बालाघाट जिले की अलग अलग लोकेशन में वीडियो सॉन्ग सजदा शूट किया, जो जल्द ही लॉन्च होगा। इस वीडियो सॉन्ग के संबंध में उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी आयोजित कर बालाघाट जिले के उनके अनुभव साझा किए। आपको बता दें कि आर्थर हेनरी भोपाल में तुलसीनगर में रहने वाले हैं। आर्थर हेनरी ने यूएई में ग्लैमॉन मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है। ये कंपटीशन 1 से 5 अगस्त 2023 के बीच यूएई के शहर अजमान में आयोजित किया गया था। इसमें 46 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और इस बारे में आर्थर ने बताया कि इस कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए उनकी माँ ने उन्हें प्रेरित किया। प्रेरणा तो मैं यही देना चाहूँगा कि कुछ भी करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपके मन में जो भी हो वो काम करने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। आप कंपटीशन में शामिल हुए, चार पांच दिन का कुछ प्रोग्राम हो जी, किस तरह आपने इसको फेस किया, कौन से चैलेंज रहे उसमें? चैलेंजेस सबसे बड़े तो मेरे लिए स्टेज फेस करना था, क्योंकि हमेशा से मैं बहुत शाय रहा हूँ तो लोगों से बात करने में बहुत दिक्कत होती थी मुझे। वहाँ जाके सबसे ज़्यादा तो मैंने वही सीखा कि लोगों को फेस किस तरह करते हैं, बातें कैसे करते हैं, खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। आप ओवर में अंडर 19 है, तो आपसे उम्र में कितने ज़्यादा लोग वहाँ पर थे और आप मेरे साथ सबसे छोटे रहे होंगे? वहाँ अलग अलग कैटेगरीज थी, एज ग्रुप्स और मेल फीमेल, तो उसमें सबसे बड़े ओल्डेस्ट पार्टिसिपेंट कितने? 36 इयर्स के थे मेल में। हाँ, 36 इयर्स के थे मेल पार्टिसिपेंट ओल्डेस्ट। 19 एज का क्राइटेरिया था अंडर 20, उसमें कितने पार्टिसिपेटर रहे हम? नहीं, ऐसा क्राइटेरिया नहीं था लड़कों के लिए। नहीं, बट हमारा क्वेश्चन ये है कि 20 सारे टीम्स है और आप लोग जो सारी जगह पर आप लोग घूम रहे हैं, सारे यंगस्टर्स हैं आपके साथ और आपने बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से आपका लोगों के लिए क्या मैसेज होगा और यहाँ पर आपको किन किन लोगों ने हेल्प की? एक्चुअली हमने यहाँ शूट करने का प्लान इसलिए किया कि यहाँ लोकेशन जो है, पहले मैं यहाँ रही हूँ तो मुझे बहुत सारे लोकेशन के बारे में पता था। उन लोकेशन को जब हमने अपने डायरेक्टर सर को दिखाया तो उनको बहुत पसंद आया, तो उसके परमिशंस लगते हैं, जिसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ SCL कंपनी के सारे टीम को। उन्होंने हमें लेट नाइट शूट करने में हेल्प की, उन्होंने सारी परमिशन दी। वहाँ बड़ी गाड़ियों के एंट्री बैन है, वैसे मना है, लोकल पब्लिक भी बिना परमिशन के वहाँ जाती नहीं है, बट हमारे 50-60 के क्रू के साथ, इतनी हैवी हैवी गाड़ियों के साथ हमें भेजने में उन्होंने अप्रूवल दिया, हमारे एप्लीकेशन को अप्रूव किया। उसके लिए उसका हमारी पूरी टीम दिल से थैंक यू बोलती है, क्योंकि हमारा जो ये गाना है उस लोकेशन के, मैं बता देती हूँ, टेलिंग डैम, उसकी वजह से इतना इन्हांस हुआ है। जो हम प्लान लेकर चल रहे थे और जब हम वहाँ पे एग्जीक्यूट किया, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम इतना सोच रहे थे और वो वहाँ जाके इतना ग्रैंड हुआ, तो दिल से उनका थैंक यू। दूसरी चीज़, मैं शशांक पटले का बहुत दिल से थैंक यू कहूँगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे जगहों पर हमारी हेल्प करी है ये सारे परमिशन वगैरह में। तीसरा, नेचर ग्रुप, वहाँ नवीन पांडे जी हैं जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरा पूरा क्रू भाई हैं वो अलग बात है, बट हमारा जो टीम है एज अ रिजॉर्ट ओनर, उन्होंने बहुत अच्छा उनका ध्यान रखा, उन्होंने बहुत हेल्प भी की, उनका थैंक यू कहना चाहूँगी। इरफान जो ट्रेजर सिनेमा के ओनर हैं, उनके बड़े बेटे, उनका थैंक यू कहूँगी, क्योंकि हमारे क्रू का जो खाना पीना था वो उन्होंने प्रोवाइड कराया था हमारे लोकेशन पे। और सबसे बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगी अनिल अग्रवाल जी का, जिनकी ये प्रॉपर्टी है तथास्तु ग्रुप, जिन्होंने हमें यहाँ शूट करने के लिए परमिशन दी है। सेरेनिटी मेरी है, बट मैंने लीज पे दी हुई है अभी 15 साल के लिए, तो ये प्रॉपर्टी अब उनकी हुई, पर उनके पूरे टीम ने, इवन अनिल सर ने और यहाँ के सारे लोकेशन के लिए हमें इतनी हेल्प करी है कि उनका दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। शशांक बस, और इन्होंने दो म्यूज़िक एल्बम, मतलब गानों में एक्ट किया है, जो दो गाने हैं
वो हर्षित और रोहन जो मेरे बेटे समान हैं उनका गाना है, तो उसे भी लॉन्च करना था। और इन सब में सबसे बड़ी बात है कि जो सेकंड सॉन्ग है वो हमने अपने बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में किया है, तो मैंने सोचा कि सबको पता चलना चाहिए कि हमने ये काम किए हैं। छोटे बच्चों के छोटे छोटे स्टेप्स अगर माँ बाप बताएं तो पता चलता है। जैसे खुशियों में लोग बोलते हैं मेरा बच्चा पोएम बोलता है, मेरा बच्चा ऐसा, जस्ट लाइक। आर्था जी, चूंकि आप मिस्टर ग्लैमर ऑफ इंडिया बने हैं, क्या फील रहा आपका? फील तो काफ़ी अच्छा ही था ऑब्वियसली, बट और काफ़ी कुछ नया सीखा भी मैंने, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और मतलब कौन से ईयर में आप मिस्टर ग्लैमर ऑफ इंडिया का खिताब आपने? 2023। अभी तो इन प्रोग्रेस ही है, अब स्टार्ट ही किया है, ये सब तो बिल्कुल नया नया है मेरे लिए, तो सीख रहे हैं धीरे। नौकर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? भोपाल, मध्य प्रदेश। फैमिली बैकग्राउंड, इसके पहले आपकी माताजी मिसेस ग्लैमर ऑफ इंडिया रही, उनका क्या अनुभव आपको मिला और क्या चीज़ें उनसे शेयर मिली? उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे, मतलब उनके कारण ही कह सकते हैं कि मैं ग्लैमर में मैंने पार्ट लिया, वरना मुझसे तो नहीं हो पाता ये। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आपने शूट किया है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का अनुभव आपका कैसा रहा? ये जगह तो मुझे हमेशा से ही पसंद है, हम काफ़ी टाइम से यहाँ आ रहे हैं, तो बहुत लोकेशन लगता है आपको बालाघाट में कि आप बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में आप शूट करने के लिए आए हुए हैं? आपके कुछ सबटाइटल सॉन्ग वगैरह आपके कुछ मूवीज में भी आपका कुछ अभी आगे पार्टिसिपेटर्स हैं आप, तो क्या बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का अनुभव आपको क्या बोला, क्या नेचर वगैरह के बारे में? यहाँ सबसे अच्छी तो ग्रीनरी है ही, और यहाँ इतने टाइम से हम आ रहे हैं तो एक घर जैसी फीलिंग आती है, तो काम करना भी इजी हो जाता है। आगे आपका और आगे आपके क्या आगे जो आपका प्लानिंग होगी, फ्यूचर प्लानिंग वो क्या है? फ्यूचर प्लान अभी तो यही है कि मॉडलिंग और एक्टिंग की फील्ड में आगे बढ़ना है, बाकी देखते हैं क्या होगा। चलिए, आपने जब आपने 2023 में आपने मिस्टर ग्लैमर ऑफ इंडिया का आपने खिताब जीता है, तो उस समय इंडिया से कितने पार्टिसिपेंट? सारे पार्टिसिपेंट्स इंडिया से ही थे, क्योंकि वो मिस्टर इंडिया का टाइटल था, सो इंडियन पार्टिसिपेंट्स ही थे सारे। कितने पार्टिसिपेंट के बीच में आपको विन करके? 43 पार्टिसिपेंट्स थे टोटल।